हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अगस्त के महीने से एमिरेट्स आईडी को लेके काफ़ी सारे नए अपडेट्स किए गए हैं, तो वही आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको हेल्प हो सके कि अगर आपके पास भी एमिरेट्स आईडी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो अपडेट किए गए हैं, ये ICA की तरफ से अपडेट किया गया है, जिसमें कुछ अपडेट्स, दो या तीन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला अपडेट है, अगर आपके एमिरेट्स आईडी में कोई भी डेटा गलत है, आपके नाम की स्पेलिंग हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या कुछ जो भी उसमें डेटा रहते हैं वो अगर गलत है, तो आपको तुरंत उसको सुधार करने होंगे। आप ICA की वेबसाइट से या फिर किसी भी ऑफिस से, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस से वहाँ की हेल्प ले सकते हैं कि कैसे आपको उसमें सुधार करनी है। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने होंगे। आप अगर किसी एजेंट से या टाइपिंग सेंटर से भी इसको अपडेट कराते या सुधार कराते हैं, तो आपको अपने कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। आपकी एमिरेट्स आईडी में ही आप सुधार कर सकते हैं, उनको बोल के सुधार कर सकते हैं। मे बी आपको कुछ जेरोक्स कॉपी ही देने पड़े, बट आप अदर ओरिजिनल कॉपीज कुछ भी उनको मत दीजिए, ठीक है। और ये जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी आपको करेक्शन करवानी है, चेंज करवानी है, ये 30 दिन के अंदर ही करवानी होगी, ठीक है। मतलब वैलिड रहते रहते आपकी एमिरेट्स आईडी जब तक वैलिड है, उससे पहले ही आपको 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें अपडेट करा लेनी है। या अगर आपको नई एमिरेट्स आईडी मिली है, तो भी मिलने के 30 दिन के अंदर ही आपको ये सारी चेंजेस करवानी है, वरना बाकी बाद में अगर आप करवाते हैं तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। ICA की वेबसाइट में इसको रिलेटेड पूरे अपडेट्स हैं कि कैसे एमिरेट्स आईडी को क्या क्या अपडेट आते रहता है, सारी चीज़ें उसमें अपडेटेड रहती हैं, तो आप उनके वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसकी जो फीस है वो सिर्फ 50 दिरहम्स है, ठीक है। तो 50 दिरहम्स अगर आप खुद करते हैं तो आपको 50 दिरहम्स चार्ज करने होंगे। अगर किसी टाइपिंग सेंटर से भी या एजेंट से करवाते हैं तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि 50 दिरहम्स जो है वो ऑफिशियल चार्ज है। ये हो गया एमिरेट्स आईडी के अपडेट को लेके, यानी कि करेक्शन को लेके। इसके बाद है, अगर आपकी एमिरेट्स आईडी गुम हो जाती है, तो फिर आपको 15 डेज के अंदर ही उसको FIR करवाना होगा। अगर आप डिले करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे, और जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। वो डिस्क्लोज्ड नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि कितने चार्जेस होंगे, बट अगर आप 15 दिन के अंदर का ही FIR रिपोर्ट ले जाके देते हैं, तो उसका 100 to 150 चार्जेस हैं। वो चार्जेस अगर आप देंगे तो आपको एमिरेट्स आईडी की दूसरी कॉपी वो लोग इशू कर देंगे। बट आपके पास अच्छा रीज़न होना चाहिए कि कैसे गुमा है। आप उसको गुमा देते हैं, खुद से गुमा देते हैं, या गिर जाता है, तो ऐसा कुछ भी रीज़न आप मत दीजिए। आप ये बोलिए आपकी वॉलेट गिर गई है कहीं, या चोरी हो गई, ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पे वॉलेट चोरी बहुत कम होती है। आप ये बोल सकते हैं कि पूरे मतलब वॉलेट में आपका एमिरेट्स आईडी रखा था, वॉलेट कहीं गुम हो गया है, तो ऐसा बोल के आप FIR करवा सकते हैं। बट कुछ भी रीज़न आप मत दीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एमिरेट्स आईडी, जैसा आपको पता, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूएई के अंदर रहने वालों के लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ है या दूसरा कुछ हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि एक दूसरे को हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।